कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और ये देखना होगा कि यहाँ पर इमरान की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आएंगी या घटती हुई नजर आएंगी। तो पाकिस्तान के लिए आज बेहद ही खास दिन है, आज होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। पाकिस्तान को लेकर जानकारी, नेशनल असेंबली में 10 बजे ये वोटिंग होगी। आज विपक्ष के नेता रैलियां भी करेंगे, तो बड़ी जानकारी सुबह सवेरे आप तक पहुंचा रहे हैं। कल रात इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और इमरान खान की तमाम जो बातें हैं इसके काफी मायने हैं। तो कल रात इमरान ने राष्ट्र को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं। नेशनल असेंबली में दरअसल आज 10 बजे वोटिंग होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर ये वोटिंग होनी है। और आज जो विपक्ष के नेता हैं वो कई रैलियां भी करेंगे, ये देखना होगा कि पाकिस्तान से किस तरह की जो खास तस्वीरें हैं वो नजर आने वाली हैं। बिल्कुल, हालांकि आप ये कहिए कि पाकिस्तान के जो पीएम इमरान खान साहब हैं वो लगभग मैच हार चुके हैं, लेकिन दम फिर भी लगाया जा रहा है, बातें फिर भी कही जा रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन जब हम देखेंगे नेशनल असेंबली के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ धीरे धीरे एक एक नेता करके छोड़ रहे हैं, उनका साथ छोड़ा जा रहा है। और इस तरीके से ये भी कहा गया था जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उसके बाद जब एक बयान सामने आया कि ये सभी नेता इस्तीफा देंगे, तो उसमें से 70 नेता ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया था, यानी टूट पड़ती हुई पीटीआई में पहले से ही नजर आ रही थी। लेकिन आज ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेशनल असेंबली में 10 बजे का वक्त होगा जब वोटिंग होगी और इमरान खान साहब पूरी तरीके से धाराशाही हो जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ हो या फिर बिलावल भुट्टो हो या फिर मरियम हो, उनके बयानबाजी हम देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि आवाम इस वक्त साथ दे रही है विपक्ष का और आवाम चाहती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना रहें। हालांकि अगर बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में कई बातें कही हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हमें, हम साथ ही आजाद हुए थे, तो मेरी अपनी कौम से यह है कि देखें, आपने अपनी सॉवरनिटी को प्रोटेक्ट करना है। और मैंने आखिर में अपनी यूथ से जो मैं बात करना चाहता था कि देखें, मैं तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा, मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर, मैं तो मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से तो था नहीं, मैंने तो शुरू की आवाम के अंदर निकल के, 14 साल मजाक उड़ता रहा, थोड़े से लोग थे मेरे साथ, और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने आवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए और एकदम पब्लिक आनी शुरू हो गई। और अभी जो मैं उसका लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अभी जो हमारा ये परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ, मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी ऐसे पब्लिक नहीं निकली, तो मैं तो पब्लिक नहीं, मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मेरे इसलिए शायद ही पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि जब इन्होंने वो अदम एतमाद मेरे ऊपर ये लेके आए, तो मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। ये क्या तरीके जी, पीछे से मिलके कोई बाहर से कॉन्स्परेसी पैसे दे के कोई इधर खरीद के और जनाब आप वजीर आजम बन गए, ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस जमहूरियत के अंदर इस तरह के वजीर आजम बनते हैं? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रह गई है? और वो क्या बनेगी पार्लियामेंट जिसके अंदर जो एक दूसरे को चोर कहते, सारे एक दूसरे को ये चोर कहते थे, सारों ने एक दूसरे के ऊपर करप्शन केसेस बनाए, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, 20 साल देख ले क्या क्या एक दूसरे को कहते। अब ये सारा ये जो गुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलके जो चोरी की, जनरल मुशरफ ने इन्होंने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा, आते साथ ही पावर। अच्छा, क्यों नहीं आवाम के पास गए? इन्होंने कहा 3.5 साल कि जनाब यहां तो बड़ी नाहल हुकूमत है, ये ऐसे है, लोगों में जाएंगे वो अंडे मारेंगे,
तो हम तो कह रहे हैं लोगों में आओ, और अब ये पूरी को अब भाग रहे हैं लोगों के अंदर। क्यों ये भाग रहे हैं? क्योंकि इनका मकसद कोई अवाम की पॉलिटिक्स नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, और मेरी कौम आपको इसके ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि ये आपका पैसा चोरी हुआ हुआ है। इन्होंने नैब को खत्म कर रहे हैं, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर हैं, ये इनको क्या डर किस चीज का है? इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। तो कौम ने नजर रखनी है। फिर इन्होंने, मैं दूसरी चीज आपको कहूं, ये कभी इन्होंने न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेला। इनका सबसे बड़ा खौफ यह है कि वो जो ईवीएम मशीन है जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशियल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं, अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे। हमने तो इसलिए लेके आए हैं, मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूं 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ से मान जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था। और ये वो रिवर्स करेंगे, ये ईवीएम मशीन इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है। और दूसरी, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके रेमिटेंसेस पर मुल्क चलता है। वो आज अपना पैसा बंद कर दे तो हम बैंकक्रप्ट हैं। वो जो बेचारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, क्या आप क्यों नहीं उनको वोटिंग राइट देना चाहते? उनके लिए हमने आई वोटिंग लेके आए थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो इन्होंने वो खत्म करनी है। ये और फिर इन्होंने पूरी गेम तैयार करके ताकि सारे अपने नीचे लोग लग जाए, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स जो पुराने इनके अपने हैं वो लगा के फिर मैच फिक्स करके इन्होंने इलेक्शन में जाना है। और वो ये सारा मसला है। अगर ये डेमोक्रेट्स हैं और इनको वाकई जमहूरियत की फिक्र है तो इलेक्शन अनाउंस करें। तो इमरान खान साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना, यानी इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कह रहा है आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कॉन्फिडेंस एकदम गिरा हुआ है और आज 10 बजे किस्मत का फैसला इमरान खान साहब का हो